उस टाइम पे जब आपका स्प्लिट हुआ, मुझे याद है मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था हाँ उस वक्त, आपका शायद रोमांस भी हेलेन आंटी के साथ शुरू हो गया था या एक्सेप्टेबिलिटी का इशू था, और फिर आपके पास काम नहीं उस वक्त, तो दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस वक्त, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी नीड्स को प्रोवाइड करना है, एंड यू आर अ राइटर, करके जिसकी जिसकी प्रायोरिटी थी एक एक करके सबको हैंडल किया। आपने उस टाइम पे अपना गुजारा भी कैसे किया? आई रिमेंबर यू वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस आल्सो एट दैट टाइम। मैंने बहुत से वो भी किए, अपना गोस्ट राइटिंग, गोस्ट राइटिंग की भी की। सलीम जावेद की सिचुएशन से और इतना नाम कमाने के बाद ये जो आपके पास ये जो काम मिल रहा था, हर्ट करता था आपको? हाँ बिल्कुल, एक इंसान हूँ मैं भी जी, और ये सब चीज़ें होती हैं, मगर मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है कि कोई बात नहीं है। और जब नाम रिलीज़ हुई तो जितने लोग गए थे छोड़ छोड़ के, वही सब वापस आए। डैडी, आपको हमने बचपन से देखा, आपकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग है, यू और आपका एक टेक इट और लीव इट एटीट्यूड होता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपको हल्का सा जो सेटबैक हुआ था ब्रेकअप के बाद एक्सेप्टेबिलिटी का, वो आपकी पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम योर राइटिंग वाज ब्लेम फॉर इट? आई विल टेल यू वन थिंग, ये ब्लू है ये, व्हेन ये दिस इज वाइट, तो मैं ये इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि वी आर वेस्टिंग टाइम, दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लू। सो इसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी, वो थी मेरे में, अभी भी है कि जब यू थिंक दैट दैट वुड हैव अफेक्टेड योर, लोगों को अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने अपने आप को चेंज किया कि फिर मैं उसके बाद डिस्कस करने लगा, अच्छा भैया वाइट की कोई नहीं है ये, तो वो मुझे ऐसा लगा कि इनको पार्टिसिपेशन चाहिए, कि देखो ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया ब्लू है और अब आप ले लेके चले जाएं, पैसे तो हमारे जा रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ सब में दूसरी बात ये अच्छी है कि इस ये सारे के सारे जर्नी के अंदर मैं बिटर नहीं हुआ। मैंने कहा काम करूँगा, बहुत तगड़ा काम करूँगा, और मैंने किया, बिल्कुल किया। डैडी, आपके और जावेद साहब के एसोसिएशन कुछ 16 साल के थे, उसमें से आपने साथ में करीब 15 फिल्में लिखी, उन 15 फिल्मों में से आपने करीब 9 फिल्में अमिताभ बच्चन साहब के साथ की, उनकी पहली फिल्म जंजीर थी। उस वक्त आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चन साहब शुड बी इन द फिल्म, कंसीडरिंग उस वक्त बच्चन साहब वाज नॉट द स्टार दैट ही बिकेम और इज टुडे? उसमें उनकी डेस्टिनी का भी बहुत हाथ है, वही एक स्क्रिप्ट थी जो कम्प्लीट थी डायलॉग के साथ साथ ऑलमोस्ट, तो वो जिन लोगों को सुनाई जैसे धर्मेंद्र साहब माइंड में थे, तो उन्होंने किसी वजह से नहीं की, जो उनको हमेशा अफसोस भी रहा इसका। देव साहब ने क्या उनके रीजंस थे वो पता नहीं लगे, उन्होंने स्पीच सुना, और फिर मुझे मौका मिला दिलीप साहब से इंटरव्यू करने का, तो मैंने दिलीप साहब से पूछा कि आपने बहुत सी पिक्चरें की हैं, ऐसी भी कुछ पिक्चरें हैं कि आपने छोड़ी हों और आपको अफसोस हुआ हो कि ये मुझे करना चाहिए थी? तो उन्होंने टाइम लिया थोड़ा और समझ गए कि मैं किसको कह रहा हूँ, तो कहने लगे हाँ भाई 2 पिक्चरें मैंने की हैं ऐसी जो छोड़ी हैं जो जिसमें मुझे अफसोस हुआ कि नहीं किए, एक प्यासा और एक तुम्हारी पिक्चर जंजीर। अच्छा, बच्चन साहब कैसे आए इस फिल्म के अंदर फिर? तो जब ये हुआ तो किसी को तो लेना ही था ना जी, तो उस ज़माने में ये भी आए थे, नए नए आए थे एक्टर थे, तो एक्टर तो अच्छे थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं, आवाज़ अच्छी थी, पर्सनैलिटी भी थी, वो सारी चीज़ें तो सूट करती थी। बाकी ये था कि इनके पिक्चरें जो फ्लॉप हुई वो ऐसी फिल्में अच्छी नहीं थी इसलिए फ्लॉप हुई हैं, अब वो एक्टर को ब्लेम लेना पड़ता है कि एक के बाद दो एक के बाद ऐसे 11 पिक्चर फ्लॉप हो गई थी, एंड ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू यू नो लीव द इंडस्ट्री एंड गो। उस ज़माने की जितनी भी हीरोइन थी जो थोड़ी सेलेबल थी अच्छी थी, वो कम काम करने को तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली आई सजेस्टेड कि जया बच्चन को ले लो, शी विल डू इट एंड शी विल डू इट फॉर हिम। कहानी भी सुनाई जया को, मैंने जाके सुनाई कहानी, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है आपका ज़्यादा, मगर अमिताभ बच्चन के लिए ये ऐसी कहानी है कि अगर ये मतलब ये पकड़ के रख देगी, बट उस टाइम के ऊपर राइट टाइम के ऊपर वो जंजीर आ गई है, और वो जंजीर जो चली है वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सलीम जावेद आल्सो एंड फॉर अमिताभ बच्चन साहब आल्सो नेचुरली, और वो तो एक ऑलमोस्ट टीम जैसी बन गई थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बच्चन साहब? नहीं नहीं, एज एन एक्टर तो उसको कोई शिकायत नहीं थी, मतलब ये कि ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, हमको लगता था कि ये ही विल डिलीवर द गुड्स राइट, तो हम स्ट्रांगली उसको पुश करते थे। तो इतने साल के एसोसिएशन के बाद जब आपका स्प्लिट हुआ, कुछ सालों तक आई थिंक बच्चन साहब ने भी आपके साथ काम नहीं किया, ये जो थी रिलेशन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर थी
कि आप जब बहुत बड़े स्टार हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे मिलना जुलना जो भी हो उससे रिलेशनशिप रखना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जो कि उन्होंने शायद किसी वजह से नहीं किया। फाइनली जाके उन्होंने भी आपके साथ फिल्में की, वो ट्रांजिशन हुआ कैसे जो ब्रेकअप के बाद? वो जो पिक्चर नाम रिलीज हुई जी, मनमोहन देसाई ने भी देखी नाम जी, और मनमोहन देसाई ने कहा कि मैं इनको लूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कैसा रहा वो पीरियड जब साथ में वापस से काम किया गैप के बाद? ठीक है, नहीं ऐसा कोई इतनी कोई मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं उनका बहुत बड़ा दोस्त हूँ या उनकी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। उनका नेचर जो है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसा है कि किसी से किसी को बहुत करीब आने नहीं देते वो जी। प्रोफेशनली काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया।